हे दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन, कंपटीशन एकेडमी रायपुर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि कंपटीशन एकेडमी का जो नया ब्रांच है वो रायपुर के डगनिया बाजार चौक में हाल ही में प्रारंभ किया गया है, और उसी ब्रांच से मैं अनिकेत देवांगन आप लोगों के मध्य इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जोड़ रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आप अपीयर हो चुके हैं, और आयोग के द्वारा हाल ही में उसका मॉडल आंसर भी जारी किया जा चुका है, और दोस्तों आपने इवेल्युएशन भी कर लिया होगा, और इवेल्युएशन के बाद में काफी सारे लोगों के मन में चिंता और शंका बनी की स्थिति बनी होगी कि उनका प्रारंभिक परीक्षा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और वो मेंस में अपीयर होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों 1 से 1.5 महीना के लगभग रिजल्ट आने में लगता है और लोग फिर तैयारी चालू करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा, ये ध्यान में रखना है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के मध्य में लगभग 3 से 3.5 महीने का गैप होता है, और इस 3 से 3.5 महीने में ऑलरेडी जो प्रिपरेशन है वो काफी कठिन होती है, और यदि आप रिजल्ट तक का वेट करेंगे तो आप लोगों का जो पेपर है वो निकलने का चांसेस क्या होते जाएगा दोस्तों, काफी कम होते जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस समय को जाया नहीं करना है, और इस समय को जाया ना करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तर लिखने में और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लगानी चाहिए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे पोर्शन के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, जो आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, और अक्सर उस पोर्शन से प्रश्न आते हैं लेकिन लोगों को पूरे मार्क नहीं मिलते। ठीक है, तो 30 शब्द में हमको अपना उत्तर कैसे लिखना चाहिए, 60 शब्द में उत्तर कैसा लिखना चाहिए, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है वो है नेशनल इनकम कैलकुलेशन टूल। तो जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम कैलकुलेशन टूल, और इस नेशनल इनकम कैलकुलेशन टूल के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या सकल घरेलू उत्पाद, या फिर बात करेंगे हम NDP या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद, या फिर हम बात करते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या सकल राष्ट्रीय आय, या फिर पूछा जाता है NNP के बारे में, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, या शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर पूछा जाता है नेशनल इनकम, या राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा जाता है पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं। तो कुछ ये कॉमन टॉपिक है जो कि 2 मार्क या 4 मार्क या हो सकता है 8 मार्क में ये प्रश्न जो है वो पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ कॉमन टॉपिक में। यदि मैं GDP भी समझा दूं आप लोगों को, तो NDP, GNP, NNP, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम आप लोगों को लिखने में काफी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी देश के शक्तिशाली होने और ना होने के पीछे जो हम लोग तर्क लगाते हैं उस देश की GDP को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं। जिस देश की GDP का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है उस देश को उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यदि वहां पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो इनकम भी ज्यादा होगा और वो खर्चे भी ज्यादा कर पाएगा, और यदि वो अपने और अपने लोगों के ऊपर में खर्चे ज्यादा कर पाएगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा समृद्धि या फिर डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा उस देश का या उस देश के नागरिकों का हो पाएगा। तो उसी को देखते हुए हम समझते हैं सबसे पहले कि ये GDP होता क्या है। ठीक है, तो साधारणता हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो प्रश्न है वो 2 मार्क में भी पूछा जाता है, और 4 मार्क में भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, और 8 मार्क में यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ घुमा फिरा के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही समझते हैं कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जितनी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजें हैं, यदि उनका कैलकुलेशन करना है तो हमेशा हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि सपोज करो, यदि मैं रायपुर से बिलासपुर जाऊं, तो मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया और एंडिंग पॉइंट भी बताया, तब तो मैं जाकर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। क्लियर है दोस्तों?
तो वैसे ही किसी भी चीज को मेजर करना है तो कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए, या कोई ना कोई एक समय अंतराल होना चाहिए, या कोई ना कोई क्या देख रहे हैं टूल हमारे पास में होना चाहिए। तो जैसे कि जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कब तक के लिए किया जाए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा जो कैलकुलेशन है एक फाइनेंशियल ईयर या एक वित्तीय वर्ष में जो है गणना की जाती है, एक फाइनेंशियल ईयर या एक वित्तीय वर्ष में गणना की जाती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को केवल कीवर्ड्स को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। यदि कीवर्ड्स ध्यान में हैं, ठीक, तो आप अपने उत्तर को 2 मार्क 4 मार्क 8 मार्क में बहुत अच्छे से अरेंज कर दें। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोगों को हमेशा जो गणना है वो एक वित्तीय वर्ष में करना है। यदि ये शब्द गायब होगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। वैसे ही एक वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी है, ध्यान में रखिएगा, वो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, क्या बात की है दोस्तों, जीडीपी जो है, ठीक है, यदि बात कर रहे हैं हम लोग तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, या बात करें हम किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उत्पादन या प्रोडक्शन होना चाहिए दोस्तों। प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, वस्तु एवं सेवा का प्रोडक्शन होना चाहिए। और गणना कौन से मूल्य पे करना चाहिए, अंतिम मौद्रिक मूल्य पे गणना होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैंने केवल क्या लिखा है यहां पर, कीवर्ड लिखा कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। किसका उत्पादन होना चाहिए, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन होना चाहिए, और उसकी गणना भी होनी चाहिए, और उसका गणना कौन से मूल्य पर होना चाहिए, अंतिम मौद्रिक मूल्य में गणना होना चाहिए। मैंने कीवर्ड बस क्या किया, ध्यान में रखा। अब यदि इस प्रश्न को ये 2 मार्क में पूछा जाए, ठीक है, तो इसका उत्तर में हम लोग क्या क्या लिखें। सामान्यतः यदि सामान्य शब्दों में बोलूं तो जीडीपी क्या होता है कि एक साल में देश के अंतर्गत में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसके पैसे में जो वैल्यू है, सकल वैल्यू है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है। इससे देश की सक्षमता का पता चलता है कि देश में एक वर्ष के अंतर्गत कितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। क्लियर कि नहीं। अब सबसे पहले इसको यदि 2 मार्क में पूछा गया तो सीधा लिखना है अपने को कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या कहलाया दोस्तों, जीडीपी कहलाया, ठीक है ना। यदि इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले तो भी सेम चीज हम लोग को लिखना है कि एक वित्तीय वर्ष किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन, किसका उत्पादन, वस्तु और सेवा, या फिर हम लोग बात की किसकी, गुड्स एंड सर्विसेस की बात की, और कौन से वैल्यू पर, फाइनल वैल्यू पर। दैट मींस द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज टर्म्ड एज जीडीपी। क्लियर कि नहीं, मैंने क्या बोला, ठीक है। जब इसको हम हिंदी में लिखे तो क्या बोले कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, इसे निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, जीडीपी कहलाता है। अब देखो, हम लोगों को जब 2 मार्क का जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 4 लाइन दिया होता है और उस 4 लाइन में हम लोगों को उत्तर लिखना होता है। तो लेकिन दोस्तों, जब मैं इसका परिभाषा लिखा, अभी समझेंगे कि एक वित्तीय वर्ष क्यों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही क्यों, उत्पादन किसका किसका और क्यों अंतिम मूल्य पे गणना करते हैं,
लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि इसको जब 2 मार्क में लिखते हैं तो 4 लाइन के बजाय ये 3 लाइन में ये उत्तर हो गए, तो हम लोगों को दूसरे से ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे? तब अपने को ध्यान में रखना है कि कुछ और एडिशनल चीजें क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं जिससे दूसरे से अपना जो उत्तर है वो बेहतर हो सके। जैसा कि हम लोग लिख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या जीवीए ग्रोथ रेट है वो 6.5% एक्सपेक्ट की गई की है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कॉमा करके सेपरेट कर सकते हैं यहां पर कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द जीडीपी, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पीपीपी के अकॉर्डिंग वी आर द 3rd टॉप कंट्री अकॉर्डिंग टू पीपीपी, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहे हैं हम लोग एडिशनल चीजें लिए, कुछ करंट अफेयर की चीजों को भी हमने क्या किया ऐड किया। और यदि आप करंट अफेयर की चीजों को भी ऐड करते हो दोस्तों तो ध्यान में रखिएगा सामने वाले से एक जो मतलब आधा आधा नंबर जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? सेम चीज को हम लोग इंग्लिश में भी लिखकर देखते हैं। क्या बोले हम लोग, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31st ऑफ मार्च के बीच का होता है, लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इस टर्म डैश जीडीपी। फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने क्या बोला कि 2023 में वी आर एक्सपेक्टिंग 6.5% ग्रोथ रेट कॉमा वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2 नंबर के सवाल में पहले तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, ठीक है, कुछ करंट के हिसाब से ऐड करके अपना उत्तर को क्या कर दिया समाप्त कर दिया। तो ये होता है दोस्तों लिखने का सही पैटर्न और जिसमें आप लोगों को मार्क्स मिलने की संभावना क्या होती है ज्यादा होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्यों वहां पर हर एक पॉइंट जो है वो कीवर्ड क्या है जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी में अक्सर जो है उस कीवर्ड को ही हम लोग नहीं लिख पाते और बोलते हैं कि भाई चेकिंग बायस तरीके पे हुई, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो कीवर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर स्टार्ट किया था एक फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोडक्शन होना चाहिए, किसका प्रोडक्शन होना चाहिए, किसका उत्पादन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका जो वैल्यूएशन है वो कौन सा वैल्यू पर करना चाहिए, फाइनल वैल्यू पर करना चाहिए। अब देखते हैं कि ये सारे कीवर्ड क्यों चले। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि गणना है हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए और जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों ध्यान में रखिएगा एक अप्रैल से 31st ऑफ मार्च के बीच में चलता है। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ठीक है, अभी जो बजट आया है वो कब के लिए आया दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच के लिए क्या आया है, बजट आया। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब ये थी 31 मार्च 2023 को किसी वस्तु का यदि प्रोडक्शन हुआ हो तो ध्यान में रखिएगा इस फाइनेंशियल ईयर में उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसकी काउंटिंग किस में होगी, फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में। क्लियर है? हमेशा ध्यान में रखिएगा जो उत्पादन है इनके बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अदरवाइज कौन सा सिचुएशन आएगा, वेल काउंटिंग का सिचुएशन आएगा, ठीक है। यदि हम लोग 31 मार्च 2023 में किसी वस्तु का उत्पादन
किए हुए हैं और उसकी गणना अभी के वित्तीय वर्ष यानी का मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में कर दें, तो दो बार कैलकुलेशन हो गया, एक तो भाई कौन से वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में, और एक बार अभी जो 2023-24 में चलने वाला है उसमें। तो ड्यूअल काउंटिंग से बचने के लिए जो गणना है वो हमेशा कब करते हैं दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर में करते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। मैं बता रहा हूं कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो मैंने क्या बोला कि भाई एक वित्तीय वर्ष, तो जैसे भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है जो अप्रैल से मार्च के बीच में चलता है, यदि हम आरबीआई को छोड़ दें, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से ध्यान में रखेगा 30 जून के मध्य ही चलता है। इसके अलावा जो अदर बैंक है उसका भी जो फाइनेंशियल है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही चलता है। तो ध्यान में रखेगा कैलकुलेशन जो है इसी ड्यूरेशन में करना है, ध्यान में रखेगा ये जो कैलकुलेशन है एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत में करना है। जैसे यदि बात करूं मैं इंडिया की जीडीपी के, तो ध्यान में रखेगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में यदि इंडिया की जीडीपी की बात करूं मैं, तो उस कंडीशन में ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्रोडक्शन है कहां होना चाहिए, ये जो प्रोडक्शन है कहां होना चाहिए, इंडिया के इस भूभाग में होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है। यदि भारत की जीडीपी बोलूं तो जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो कहां होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। और भारत कहने का मतलब ये जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इस पूरे भाग में, और 200 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है, 200 नॉटिकल मील, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहां तक का जो अधिकार है, ठीक है। अंकलॉस की एक संधि हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके तहत कोई भी देश जो अपने यहां के संसाधन को ये 200 नॉटिकल मील तक क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो कहने का मतलब इस भूमि वाले भाग में और इस समुद्री भाग में जितना भी जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग देश की जीडीपी में काउंट करते हैं, क्लियर है कि नहीं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अब ये उत्पादन जो है चाहे वो देश के नागरिक द्वारा हो, चाहे ये उत्पादन देश के नागरिक द्वारा हो या चाहे विदेशी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा हो या किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा हो, दोनों को हम लोग इंक्लूड करें। कहने का मतलब सपोज करो जैसे जस्टिन बीबर मुंबई आया और एक कॉन्सर्ट रखा और उस कॉन्सर्ट का जो टिकट है उसका मूल्य था 5,000 रुपए, ठीक है। अब वो यहां देश के अंदर आया, यहां गाना गाया और गाना गाने के लिए पर व्यक्ति से वो कितना लिया, 5,000-5,000 रुपए लिए। तो ये गाना कहां गाया दोस्तों, कहां गाया, वो कहां के लोगों को सेवा दे रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा देश के लोगों को सेवा दे रहे हैं और इसी कारण वो किसमें काउंट होगा, देश की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा का उत्पादन एक प्रकार का क्या है, गाना गाना सुनना, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्लियर। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वो यहां सेवा दे रहा है तो यहां की जीडीपी में क्या होगा, काउंट होगा। वैसे ही यदि ए आर रहमान साहब अमेरिका जाते हैं, वहां गाना गाते हैं, तो देश की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो कहां के जीडीपी में काउंट होगा दोस्तों, अमेरिका के जीडीपी पे काउंट होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला है कि उत्पादन होना चाहिए तो कहां होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत में ही क्या होना चाहिए दोस्तों, उत्पादन होना चाहिए, क्लियर है। तो यदि इंडिया की जीडीपी बोलूं तो उत्पादन कहां होना चाहिए, इंडिया के अंतर्गत में, इंडिया के टेरिटरी में होना चाहिए, इंडिया के इस भाग में ही वो उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो चाहे वो विदेशी व्यक्ति के द्वारा उत्पादन हो, क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत में जितना भी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किसका काउंटिंग करते हैं हम लोग, या तो गुड्स का काउंटिंग करते हैं या तो किसका काउंटिंग करते हैं, सर्विस का काउंटिंग करते हैं, और कौन से प्राइस पर करते हैं, फाइनल वैल्यू पर करते हैं, अंतिम मौद्रिक मूल्य पर करते हैं। क्यों अंतिम मौद्रिक मूल्य पर करते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा कि वस्तु जो है वो प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल से होकर गुजरती है। जैसे आटे का पैकेट, अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गेहूं का उत्पादन हुआ होगा, वो गेहूं जो है आटा चक्की में, ठीक है, पीसने के लिए गया होगा, और जब वो पीसेगा उसके बाद में वो पैकेट में भरकर
कहां बेचेगा, मार्केट में बेचेगा। कहने का मतलब जब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ यदि उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, यदि पिसाई का खर्च भी काउंट कर लेते हैं और पैकेट में भरने के समय भी को भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये सब कौन सी चीजें, माध्यमिक चीजें। यदि प्रोडक्शन हुआ, सपोज करो 10 केजी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, यदि उसको जीडीपी में काउंट कर लिए 40 रुपए का, यदि वो गेहूं है 40 रुपए पर केजी का, तो जीडीपी में उसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 400। लेकिन यही जब पैकेट में बंद होके आया, अलग अलग लेवल में गुजरा, वो आटा चक्की में गया, वो प्रोडक्शन मतलब जो उसको पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचते हैं उसके पास में गया, तो यदि इस लेवल में भी गया होगा तो ये भी कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखे होंगे। और गेहूं का कीमत बढ़ के कितना हो गया होगा, 60 रुपए 10 किलो का। तो कहने का मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी हुई, 600। अब यदि माध्यमिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं रखेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्शन यहां पे भी हुआ था और प्रोडक्शन यहां पे भी हो रहा है जब वो पैकेट में भर उसको बंद कर रहा है, तो क्या देखेंगे दोस्तों, ठीक है जीडीपी में 400 भी काउंटिंग हो जाएगी और 600 भी काउंटिंग हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वो वस्तु फाइनल तौर पर कहां भी यूज की जाएगी, क्लियर है कि नहीं। और जो गणना है वो कौन सा मूल्य पर करेंगे, फाइनल मूल्य पर ही करेंगे, क्लियर है। तो यदि माध्यमिक वस्तुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गड़बड़ हो सकती है, और इसी के कारण जो गणना है वो कौन से मूल्य पर करना चाहिए, अंतिम मौद्रिक मूल्य पे करना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का कैसा मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, जीडीपी कहलाता है। और इसमें यदि एक फाइनेंशियल ईयर नहीं रखेंगे तो भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया नहीं लिखेंगे तो भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि गुड्स या सर्विसेस में से किसी एक को भूल जाएंगे तो भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। चलिए इसी इसी उत्तर को हम लोग 4 मार्क के लिए अर्थात 60 शब्दों में लिखते हैं कि कैसे इस उत्तर को 60 शब्द में लिखेंगे, तो सेम चीज को कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात किए कि सेम चीजों को मैं पहले लिख लेता हूं, क्या लिखा था मैं, एक फाइनेंशियल ईयर की बात किए थे हम लोग, एक फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया प्लस क्या लिखे थे, क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसकी गणना कौन से वैल्यू पर होना चाहिए, फाइनल वैल्यू पर होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। सेम चीज को कैसे लिख सकते हैं, कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। अब अपने को सेम कीवर्ड को ध्यान में रखना है, आपको अपना उत्तर ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है, मेहनत करना है, कीवर्ड तलाशना है, उसी को 4 में कैसे लिख सकते हैं, उसी को 4 मार्क के लिए कैसे लिख सकते हैं, उसी को 2 मार्क के लिए कैसे लिख सकते हैं, और उसी को 8 मार्क के लिए कैसे लिख सकते हैं, और कौन कौन सी चीजों को उसमें ऐड करना है, ये चीज अपने को ध्यान में रखना होगा। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, किसी एक वित्तीय वर्ष, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट में लिख लिया, एक वित्तीय वर्ष कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च लिख लिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित, ठीक है, समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब इसमें हम और कैसे एक्शन, इनमें वे सारे विदेशी, इनमें वे सारे विदेशी के आय को शामिल करते हैं जो देश में रहकर उत्पादन में सहयोग करते हैं,
तथा उन सभी भारतीयों की आय को घटाते हैं जो विदेशों में रहते हैं और वहां उत्पादन में सहयोग करते हैं। तो समझ रहा, सेम चीज को हमने कैसे लिख लिया, बड़े वाक्य में लिख लिया, उत्तर वही है। यदि इसी को मैं अगर शॉर्ट करूं तो और इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको सीखना है कि सेम 60 शब्दों को हम लोग 30 में कैसे बना सकते हैं और 30 को कैसे हम लोग 60 में कर सकते हैं। अभी देखो, इसी को मैं 30 में लिखकर बताता हूं, ठीक है। देखो, एक वित्तीय वर्ष में, ब्रैकेट में लिख लिया कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित, जैसे निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पाद, जैसे एक निश्चित उत्पाद, ठीक है, उत्पाद ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट में लिखा, चाहे उत्पादन भारतीयों द्वारा या विदेशी द्वारा, लिख लिया यहां पर। तो एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित, ब्रैकेट में लिख लिया सेम चीज को जो दो लाइन में वहां पर लिखे हुए थे, उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है ना, क्या कहलाता है, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। फिर लिख लेना 2023-24 में 6.5% largest economy, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब अपने को अपना उत्तर ऐसा प्रिपेयर करना है, ठीक, जो 2 मार्क में भी लिखा जा सके, 4 मार्क में लिखा जा सके और समय आने पर उसमें 8 मार्क के लिए भी कुछ चीजों को ऐड किया जा सके। तो कहने का मतलब दोस्तों कि समय कम है आप लोगों के पास में और आप